नमस्कार दोस्तों, टेक्नोलॉजी अपडेट में आपका स्वागत है और मैं आपका दोस्त विजय। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि भीम ऐप में जो लेटेस्ट अपडेट है वो क्या है और इसकी कुछ जानकारी। तो चलिए हम अपने वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश करते हैं कि हमारा टेक्नोलॉजी चैनल जो है, टेक्नोलॉजी अपडेट चैनल है, उसको आप सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन दबाना ना भूलें ताकि हमारा कोई भी अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँचे। चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम सबसे पहले हम भीम जो ऐप है उसको ओपन करेंगे और उसका लोगो कुछ इस टाइप का है। अगर आपके पास नहीं है तो आप जाकर डायरेक्टली प्ले स्टोर से आप उसको इंस्टॉल कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद क्या करना है सारा चीज़ हम बताएंगे। इंस्टॉल करने के बाद आप जितना उसमें रजिस्टर कर लें, अगर नहीं है तो रजिस्टर करने के लिए जितने उसके ऑप्शन आते हैं सारे फॉलो कर लें। और यहाँ पे हमारे पास है इसलिए हम इसमें पासवर्ड डाल लेते हैं। तो चलिए पासवर्ड डाल लिए। और यहाँ पे देखिए हमारा जो इंटरफेस है वो ओपन हो गया है। बहुत सारी चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो कुछ इसकी जानकारी हम आपको दे दें। यहाँ पे जैसे ही यहाँ पे कोरोना के बारे में आया है तो रिक्वेस्ट मनी डोनेट वाला सिस्टम यहाँ पे आ गया है। आप डायरेक्ट अपने भीम से डोनेट कर सकते हैं या फिर अप्रूव टू पे, जिसको आप पे किए हैं वो अप्रूव कर सकते हैं, पे बिल कर सकते हैं, भारत गैस का है जो भी है, रिक्वेस्ट मनी कर सकते हैं। जी हाँ, रिक्वेस्ट मनी क्या है ये आपको हम बता दें। रिक्वेस्ट मनी में सबसे पहले हमको अगर 200 रुपया लेना है या 2000 रुपया लेना है, वहाँ पे हम रिक्वेस्ट भेज कर किसी के नंबर पे भेज सकते हैं। जी हाँ, यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर है, यहाँ पे कोई कॉन्टैक्ट लिस्ट में नहीं है इनका, इसलिए नहीं दिखा रहा है, नहीं तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर देता है, वहाँ पे डालिएगा। और उसके बाद आपके पास अमाउंट का ऑप्शन आएगा, अमाउंट डालिएगा और सेंड कर दीजिएगा, तो अगले के पास चला जाएगा। अगला जैसे ही खोलेगा, तो वहाँ पे रिक्वेस्ट देगा और जैसे वो पासवर्ड डालेगा अपना, आपके अकाउंट में उतना पैसा आ जाएगा। तो चलिए हम इसमें बताते हैं कि अब बैलेंस कैसे चेक करें, क्योंकि यहाँ पे बैलेंस चेक करने का कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो कैसे बैलेंस चेक करते हैं ये बताते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे प्रोफाइल में जाएंगे हम, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं होम प्रोफाइल ट्रांजैक्शन दे रहा है। तो प्रोफाइल में जाने के बाद यहाँ पे बैंक अकाउंट का ऑप्शन आता है, बैंक अकाउंट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे चेक बैलेंस पे क्लिक कर देंगे। चेक बैलेंस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमारा जो UPI नंबर है वो यहाँ पे मांग रहा है, जो पासवर्ड है, तो हम इसको पासवर्ड डाल देते हैं। तो यहाँ पे हमने अपना पासवर्ड डाल लिया है, ओके कर दिया है। उसके बाद हमारा जो ट्रांजेक्शन जितना है वो दिखा रहा है बैलेंस, यहाँ पे 2,002.78 रुपया बैलेंस है हमारे पास। और यहाँ पे और सारी सुविधा है जैसे ट्रांजेक्शन है, तो हम यहाँ पे ट्रांजेक्शन किसको किए हैं वो दिखाएगा। तो हमने अभी इंस्टॉल ही किया है, ट्रांजेक्शन किसी को नहीं किया है, इसलिए यहाँ पे नहीं दिखा रहा है दोस्तों। जैसे ट्रांजेक्शन हो जाएगा वहाँ पे आ जाएगा। तो चलिए, अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, नमस्कार।